आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन का आज हुआ समापन। कथा के अंतिम दिवस व्यास पीठ से पंडित शांतिलाल व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताते हुए कृष्ण सुदामा की मित्रता का वृत्तांत सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृष्ण और सुदामा बचपन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए थे, जहां पर उनकी मित्रता हुई। बड़े होकर कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा गरीब हुए। सुदामा की मित्रता प्रभु से हुई तो उसकी दरिद्रता और कष्ट दूर हुए। ऐसी मित्रता हमें करनी चाहिए जो एक मित्र के संकट को हर ले। मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच सुदामा कृष्ण का मंचन हुआ, जिसमें भजन अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो तो सभी भाव विभोर हो गए। आगे उन्होंने कहा कि कथा दो प्रकार की होती है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक कथा में कथा का सार होता है, अलौकिक कथा विस्तार और प्रभु को प्रसन्न करने वाली होती है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु कृष्ण का वास होता है। जो भी प्राणी इसका पूजन श्रवण करता है वो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। पश्चात श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर समिति ने व्यास पीठ का पूजन कर स्मृति चिन्ह कथावाचक को देकर श्वेत के श्रद्धालुओं का आभार माना और दानदाताओं का सम्मान किया। विस्तार से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट।